अस्सलाम वालेकुम। फैब्रिकेशन विश्वविद्यालय में खुश आमदी। ये वीडियो कावश वेलफेयर ट्रस्ट और यूसुफ अली कैंप ट्रस्ट के तआवुन से पेश की जा रही है। आज का हमारा टॉपिक है एल्बो की इकसाम, एल्बो का सेंटर फाइंड करना और एल्बो के सेंटर का इस्तेमाल। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, एल्बो कितनी इकसाम की होती है आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा। सबसे पहले है शॉर्ट रेडियस, और जो हमारे पास दूसरे नंबर पे है वो है मीडियम रेडियस, और जो थर्ड नंबर पे है वो है लॉन्ग रेडियस। अब जो सबसे पहले हम शॉर्ट रेडियस पे आते हैं कि इसका सेंटर हम किस तरह फाइंड करते हैं। इसका जितना एल्बो साइज होगा उतना ही इसका सेंटर होगा शॉर्ट रेडियस का, और जो मीडियम रेडियस है हम इसे स्टैंडर्ड साइज भी कहते हैं। इसमें जो कि माया लिक्विड गैस का जो प्रेशर है वो ऐसा ऐसा टूटता है। इसका जो सेंटर फाइंड करने का फार्मूला एल्बो साइज मल्टीप्लाई 1.5 के इसके डाई के डेढ़ गुना होता है। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एल्बो साइज मल्टीप्लाई 38.1 के, और जो लॉन्ग रेडियस है इसका होता है एल्बो साइज मल्टीप्लाई 2 या 2.5 भी होता है। और जो एल्बो सेंटर होता है वो कहां से कहां तक होता है आपको नजर आ रहा होगा, इसे कहे ये एल्बो है। एल्बो हमने एक फ्लैट सरफेस पे रखी और यहां से लेकर एल्बो के डाय के सेंटर तक का जो फासला होगा, दरमियान तक का जो फासला होगा, हम उसे एल्बो सेंटर कहेंगे। अब हम इसका फार्मूला देखते हैं सेंटर फाइंड करने का। फार्मूला इसका है वो है 10 degree/2 मल्टीप्लाई, यहां पे आ जाएगा कि कौन से रेडियस की एल्बो है, शॉर्ट है मीडियम है। हम यहां पे मीडियम का करके देखते हैं 38.1 मल्टीप्लाई एल्बो साइज के, क्या होगा 90 degree की हमारे पास एल्बो है, 90/2 मल्टीप्लाई 38.1, 4 inch की एल्बो है। कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास जवाब आ जाएगा 152.4 millimeter के, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है वो 152.4 millimeter है। अगर हम शॉर्ट रेडियस का सेंटर फाइंड करेंगे, यहां पे हम 38.1 की जगह पर हम एक लगाएंगे, 90 degree की है तो 90 degree लगाएंगे। एल्बो सेंटर का अनुसार दो चीजों पर होता है, एक रेडियस पर, एल्बो का रेडियस कितना है, और दूसरा है कि डिग्री कितनी है। फार्मूला तीनों के लिए यही अप्लाई होगा, और अप्लाई करते हुए आपने ये याद रखना है कि हम कौन सी एल्बो का सेंटर फाइंड कर रहे हैं और कितनी डिग्री में। यहां पे डिग्री याद रखनी है, कौन सी डिग्री में एल्बो है उसका सेंटर फाइंड करते हुए, और यहां पे जो आपने लिखना है कि जो उसका सेंटर का फार्मूला है कि वो 1.5 वाला है, शॉर्ट है तो एक आएगा, अगर वो लॉन्ग है तो दो आएगा, अगर मीडियम है तो 1.5 लिखेंगे, अगर 1.5 लिखेंगे हमारे पास सेंटर आएगा इंचीज में, अगर हम 38.1 लिखेंगे तो हमारे पास मिलीमीटर में। और इसका एक और तरीका आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है, एल्बो फ्लैट सरफेस पे रख ली, मीटर टेप लगा के यहां से यहां तक का जो फासला है टोटल आपने फाइंड कर लेना है कि यहां से लेकर यहां तक जितना फासला आपके पास आ रहा है उसमें से आपने क्या करना है, इसका जो हाफ है एल्बो के डाई का हाफ वो माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास एल्बो सेंटर आ जाएगा। अब हम इसका देखते हैं इस्तेमाल, एल्बो सेंटर का इस्तेमाल कहां पे होता है। पाइपलाइन का काम करते हुए हमें ड्राइंग पर एल्बो के सेंटर से सेंटर तक जो पैमाइश दी जाती है, फॉर एग्जांपल हमें एल्बो के सेंटर से सेंटर तक पैमाइश दी गई है 1000 millimeter के। अब हमने ये दरमियान वाले पीस की जो वैल्यू फाइंड कर दी कि दरमियान वाला जो पाइप लग रहा है वो कितना लगना है, 4 inch की ये हमारे पास एल्बो लगी है दोनों जानब, 4 inch की पाइप, हमने पाइप की लंबाई मालूम करनी है। एल्बो सेंटर क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है ये वाला फासला, ये इसके फेस से लेकर यहां से ये यहां तक ये वाला फासला कितना था हमारे पास 152.4, और यहां पे भी क्या होगा ऐसे ही ये वाला फासला 152.4। क्या करेंगे इन दोनों को हम 152.4 + 152.4, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 304.8 millimeter के। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, टोटल कितनी लंबाई है 1000 millimeter, उसमें से माइनस कर देंगे 304.8, जवाब आ जाएगा 695 millimeter के, यानी कि जो हमारा दरमियान में जो मैं पाइप रिक्वायर्ड था उसकी लेंथ होगी 695 millimeter के।
और ये बात आप दोबारा जो हम गलती करते हैं फार्मूला अप्लाई करते हुए वो ये होती है कि हम ये भूल जाते हैं कि कौन सी एल्बो फाइंड कर रहे हैं, किस एल्बो का हम सेंटर फाइंड करना है और डिग्री क्या है। फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए याद रखना है यहाँ पे डिग्री का और यहाँ पे कौन सी एल्बो है। शॉर्ट है तो यहाँ पे जितना डाया उतना ही उसका वो रहेगा सेंटर, और डिग्री जो है कि वो 30 डिग्री 60 डिग्री किस डिग्री में है। उम्मीद है आपको एल्बो का सेंटर फाइंड करना, एल्बो की इकसाम और सेंटर फाइंड करने के बाद उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।